हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं उसके बारे में। हम चुनाव आयोग की यहाँ पे बात करेंगे, जो निर्वाचन सदन है, निर्वाचन सदन क्या काम करता है। आप जैसा कि आप जानते होंगे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ही उसको हैंडल करता है, चाहे वो हमारे लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के हो, राष्ट्रपति से रिलेटेड हो, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हो। जो भी हमारे चुनाव की सभी प्रक्रिया होती है, जो भी हमारे वोटिंग, जो हमारे वोटिंग साइंस होते हैं, जो हमारे वोटिंग कार्ड्स होते हैं, जो सभी जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको हैंडल करता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना, कैसे इसका गठन हुआ, कब हमें इसकी जरूरत पड़ी, क्या क्या हमें इसके फायदे हैं, या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर इलेक्शन कमीशन की जो हिस्ट्री रहा है, बैकग्राउंड, इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले क्या इसका बैकग्राउंड था, अभी इसका क्या बैकग्राउंड है, क्यों अभी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट हमारे इलेक्शन कमीशन कौन है, कितने मेंबर्स की हमारी इलेक्शन कमीशन की कमेटी होती है, सभी की हम सभी चीजों का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ऐसा टॉपिक है जो आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी आपको करंट के रूप में या जीके के रूप में यहाँ से आपको कोई ना क्वेश्चन जरूर मिलता है। जब भी बात चुनाव की आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो है इलेक्शन कमीशन पर ही जाता है। इलेक्शन कमीशन जो हमारा निर्वाचन सदन है, निर्वाचन आयोग है, उसके जो कार्य है, चुनाव को किस प्रकार से वो हैंडल करता है, कैसे वो काम करता है, सभी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो या केबीएस हो या एनबीएस हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सभी के लिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमारी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी हमारी अपडेट रहती है, सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो हमारे प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर हो, या फिर आपके कोई कमिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन हो, या फिर जो भी हमारी टॉपिक वाइज या एमसीक्यू वाइज जो भी हमारी वीडियोज आती है यूट्यूब पर, सभी के लिंक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो फ्रेंड घर बैठकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि वो नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल उन्हें चाहिए, चाहे वो किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम का हो, सभी नोट्स हमारे रेडी है अपडेट सिलेबस के साथ। यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो 8447410108 पर आप कॉल या मैसेज के थ्रू अपना ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी कुरियर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा कि अभी डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, डॉक्टर विजय सर के न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो जिसको भी अगर बैच ज्वाइन करना है, हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। लिंक जो है डाउनलोड करने का एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, आईओएस के लिए ये रहेगा। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो लिंक है वो अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए परमानेंट, ऑटोनोमस एंड क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड अंडर 324 आर्टिकल एंड पार्ट 15। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसके भाग 15 के अंदर अनुच्छेद 324 के अंदर जो भारत का जो चुनाव आयुक्त है उसका गठन किया गया है। ये एक स्थायी निकाय है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, और एक क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक बॉडी है और संवैधानिक निकाय है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का चुनाव आयुक्त कौन से आर्टिकल में है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 324। यदि पूछा जाता है कौन से संविधान के कौन से भाग में आता है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा भाग 15 में। किस टाइप की ये बॉडी है? तो ये है परमानेंट, ऑटोनोमस, क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये यहां से ही आपके दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से याद रखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे आर्टिकल 324 भाग 15 में है, संवैधानिक निकाय है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए सुप्रीम बॉडी वेस्टेड विद पावर ऑफ सुपरविजन कंट्रोल डायरेक्शन ऑल एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर्स इन द कंट्री। देश के जो चुनाव प्रशासन के जितने भी जो भी पहलू होते हैं, जो भी मतलब जिस भी फील्ड के चुनाव होते हैं, सभी को एक दिशा प्रदान करने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है। उनपे पूरा होल्ड इलेक्शन कमीशन का होता है, पूरा एक सर्वोच्च निकाय है इलेक्शन कमीशन हमारे देश के लिए। इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश 1950। कब स्थापना हुई इलेक्शन कमीशन की? 1950 में। प्राइमरी गोल जो है, प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो चुनाव आयोग है 1950 में संसद, राज्य विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल, भारत के जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रबंधन के लिए इसके जो है मेन गोल था वो महसूस किया गया और 1950 में इसकी स्थापना की गई। एक स्वतंत्र निकाय है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और निष्पक्ष न्याय के रूप में चुनाव आयोग को जाना जाता है। ये सभी के लिए निष्पक्ष होता है, ये ऐसा नहीं कि किसी के लिए बायस है कि उसको जिताना है उसके लिए करना, नहीं। चुनाव आयोग की तरफ से पूरा फेयर एंड पूरा फेयर सिलेक्शन इसमें होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके पीछे का इतिहास रहा है। जनरल इलेक्शंस वाज हेल्ड इंडिया बिटवीन 25th अक्टूबर 1951 एंड 21st फरवरी 1952। यानी भारत में जो पहली बार इलेक्शन हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए। अगस्त 1947 में आजादी के बाद लोकसभा के पहले चुनाव थे, ये लोकसभा के पहले चुनाव थे भारत की आजादी के बाद। इसके बाद देखते हैं, इट वॉज कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर 324 आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 324 में जो इलेक्शन कमीशन स्थापित है उसको 26 नवंबर 1949 को भारत के लिए प्रावधान आयोजित किया गया संविधान में। 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था आर्टिकल 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय चुनाव आयोग को संविधान में कब शामिल किया गया, तो यहां पे आपका आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को। कौन सी आर्टिकल के तहत? 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपनाया गया। 1989 इलेक्शन कमीशन वो सिंगल मेंबर बॉडी, मतलब कि 1989 तक जो चुनाव आयोग था वो एक सदस्य निकाय था, केवल एक ही सदस्य जो है इसमें हुआ करता था, जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वही शामिल थे। जब दो और चुनाव आयुक्तों का एक बहुसदस्य निकाय के रूप में नियुक्त किया गया, बाद में महसूस हुआ कि और हमें चाहिए, तो और दो चुनाव जो इलेक्शन कमिश्नर है, टू मोर इलेक्शन कमीशन इसमें ऐड किए गए। जैसे कि अभी ये 3 मेंबर्स की एक बॉडी होती है, 3 इसमें मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन। अगेन बिटवीन 1990 और 1993 इलेक्शन कमीशन वाज ए सिंगल मेंबर बॉडी। प्रेजेंटली इलेक्शन कमीशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। यानी 1990 और 93 के बीच चुनाव आयोग को एकल सदस्यीय निकाय था और वर्तमान में जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है, यानी कि एक चीफ कमिश्नर इसमें होते हैं, उसके बाद 2 अन्य जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो इसमें होते हैं। तो इस तरह इस 3 सदस्यीय एक निकाय है। कमीशन इज एसिस्टेड बाय डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर एट द स्टेट लेवल, एसिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय कमिश्नर टेन्योर सिस्टम।
यानी जो आयोग के उप्त चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी सहायता प्रदान, उनको सहायता प्रदान की जाती है राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रणाली के साथ, और उनके जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसमें सहायता प्रदान की जाती है। आयोग को उप चुनाव आयुक्तों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और राज्य स्तर पर कार्यकाल प्रणाली के साथ आयोग द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचक अधिकारी के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यानी स्टेट लेवल पर अलग हेल्पिंग होते हैं और सेंटर लेवल पे अलग होते हैं। कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन मेंबर इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द टाइम। यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी जो संख्या होती है वो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर प्रावधान है? आर्टिकल 324। रीजनल कमिश्नर बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशंस विद द इलेक्शन कमीशन कंसिडर नेसेसरी असेट द इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो रीजनल कमीशन क्षेत्रीय जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श के बाद की जाएगी, क्योंकि वह चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझ सकते हैं। जो हमारा चुनाव आयुक्त होता है उसी के परामर्श से राष्ट्रपति जी अन्य जो दो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यानी जो चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त की जो सेवा शर्तें, जो उनका कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के ही द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्ट्रक्चर एंड टर्म्स, क्या इसके संगठन का ढांचा होता है और क्या कितने इयर्स तक ये रहते हैं। ओरिजिनली कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर बट आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट 1989। यानी कि पहले तो केवल एक ही चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन जो एक संविधान में जो संशोधन किया गया चुनाव आयुक्त संशोधन 1989, उसके बाद ये बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। यानी कि एक से ज्यादा मेंबर हो गए तो इसलिए हम इसको बहुसदस्यीय निकाय बोलते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं। संविधान चुनाव आयोग के सदस्य की जो शर्तें हैं वो निर्धारित नहीं करता। चुनाव आयोग जो शर्तें होती है उन्हें संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की जो शक्तियां होती है वो बिल्कुल समान होती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान उनके वेतन भत्ते और जो भी उनको अलाउंसेस, जो भी उनको सुविधाएं दी जाती है वो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही चुनाव आयुक्त के मेंबर्स को मिलती है। तीनों ही मेंबर्स के लिए सेम होती है, तीनों की सैलरियां, जो भी अलाउंसेस होते हैं, जो भी उनको सुविधाएं मिलती है, हर चीज उनकी सेम रहेगी। नेक्स्ट है, इसका जो मुख्यालय है चुनाव नेशनल अपना जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका हेड ऑफिस कहाँ पे? न्यू दिल्ली। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। टेन्योर जो है, टर्म पीरियड जो होता है, कितने इयर्स के लिए चुनाव आयुक्त अपॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 6 ईयर। ये आपको याद रखना है फ्रेंड, क्योंकि मोस्टली जो है आंसर होते हैं 5 ईयर। जो भी हमारे चुनके आते हैं वो मोस्टली 5 ईयर होते हैं। ये एक दो एक्सेप्शनल हो गए, जैसे कैग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, 6 ईयर, या फिर एज 65 ईयर। जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए, या तो एज 65 ईयर हो जाए, उससे अबव हो जाए, या फिर उसके टाइम पीरियड को अपॉइंट किए हुए 6 ईयर हो जाए, इसमें से जो पहले हो जाएगा वहां रिटायरमेंट हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन का अगर टेन्योर पूछा जाता है तो 6 ईयर प्लस या 65 ईयर, जो भी दोनों में से पहले हो जाए वही मान्य होगा। पावर इन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या उसकी शक्तियां होती है, क्या कार्य होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? इट क्रिएट्स द रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, रेगुलर बायसेस एज वेल एज एनरोलिंग एलिजिबल वोटर्स। यानी कि नियमित आधार पर जो एक मतदाता सूची होती है, जो लिस्ट बनती है, उसको संशोधित करना, साथ ही साथ जो मतदाताएं होते हैं उनको नामांकित करने का कार्य जो है वो हमारे चुनाव आयुक्त करते हैं। चुनाव कार्यक्रम और तारीखों की घोषणा की जाती है। जो
चुनाव की जो डेट आती है, इलेक्शंस की जो डेट आती है, उसकी घोषणा कौन करते हैं? इलेक्शन कमीशन करते हैं। डेट अनाउंसमेंट हो गई या उसका जो शेड्यूल हो गया वो हो गया नॉमिनेशन पेपर्स आर द स्क्रूटनाइज्ड एंड इलेक्शन कमीशंस, यानी कि आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाती है, उनका तारीख क्या उनका कार्यक्रम रहेगा और जो उनके जो पत्र रहते हैं उनकी जांच भी आयोग के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद है राजनीतिक दलों की मान्यता और उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, यानी कि कौन सा दल वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ये कार्य भी हमारे चुनाव आयोग करते हैं। और कौन सा साइन किस दल के लिए है, जैसे कि कमल हो गया बीजेपी के लिए, हाथ हो गया कांग्रेस के लिए, इस तरह जो साइंस मिलते हैं, जो हमारे सिंबल्स मिलते हैं, वो भी चुनाव आयोग के ही कार्य है। क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है अर्ध न्यायिक कार्य, राजनीतिक दलों की मान्यता और उन दलों को चुनाव चिन्हों के आवंटन से जुड़े मामलों में न्यायाधीशों के रूप में कार्य कराना, ये काम भी चुनाव आयोग करता है। चुनावी व्यवस्था और विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स ओवर इलेक्ट्रोल अरेंजमेंट, जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है यदि उसमें कोई विवादित है तो उसके लिए किसी अधिकारी को अपॉइंट करना, उसकी जांच के लिए, विवादों को निपटाने के लिए किसी भी अधिकारी को वो अपॉइंट कर सकते हैं, ये कार्य भी चुनाव आयोग का है। व्यवस्थाओं को विवादों की जांच करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। वोटिंग रोल का रखरखाव करता है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र जारी करता है, जो हमारे फोटो आई कार्ड्स होते हैं वो भी हमारे इलेक्शन कमीशन ही बनाते हैं। मतदान केंद्र, जो पोलिंग लोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन जहां पे हम वोट डालने जाते हैं, वेयर द पोलिंग स्टेशन विल बी लोकेट, कहां पर होंगे, कैसे उनको वोटर असाइन करेगा, कैसे स्टेशन बनाने हैं पोलिंग स्टेशन, और कहां पे काउंटिंग सेंटर बनाने हैं जो वोटों की जो काउंटिंग होनी है, ये सभी कार्य जो है ये चुनाव आयोग के होते हैं। यानी कि मतदान केंद्र कहां स्थापित होंगे, कहां मतदाताओं को मतदान केंद्रों से कैसे सौंपा जाएगा, गणना केंद्र कहां होंगे, मतदाता केंद्रों और गणना केंद्रों और उनके आसपास की व्यवस्था की जाएगी, और अन्य उनसे संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, यानी कि पूरा जो भी एक वोटिंग से रिलेटेड पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो हमारे चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूद सदस्यों के बारे में प्राधिकरण को सलाह देनी होती है जो चुनाव आयोग के बाद अयोग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है इश्यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शंस, सो नो वन एंगेज अनफेयर प्रैक्टिस दोज द अथॉरिटीज मिसयूज देयर पावर एंड आर्बिट्ररी। ये जो चुनाव आयोग है, राजनीतिक दल होते हैं उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता जारी करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम बोलते हैं, एक आदर्श आचार संहिता जारी करते हैं ताकि कोई अनुचित प्रथाओं को शामिल ना हो, सत्ता में बैठे लोग अपने मनमाने ढंग से अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, कि अपनी मर्जी से कुछ भी करे, कोई रूल रेगुलेशन ना हो, तो उसके लिए ये हमें बचाता है उन सभी चीजों से। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए जो भी कंपेनिंग स्पेंडिंग एस्टेब्लिश कंपेनियन स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज मॉनिटर्स देम, जो भी राजनीतिक दल के अभियान खर्चों से जो प्रतिबंध स्थापित करता है साथ ही उनकी निगरानी भी रखता है। चुनाव के दौरान टेलीविजन रेडियो जैसे विभिन्न माध्यमों के उपयोग के सभी राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार प्रसारण के कार्यक्रम को तैयार करता है, जो प्रचार का कार्य होता है कि कितने इलेक्शन होने से कितने टाइम पीरियड तक हम अपने लिए प्रचार कर सकते हैं, वो जो टाइम पीरियड होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उसको निश्चित करता है, उसको तय करता है कि कितने टाइम तक प्रचार होने हैं। प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के जो सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित जो समस्याएं होती है उस पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन सलाह देता है? चुनाव आयोग सलाह देता है। चुनाव आयोग विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मुद्दे पर राज्यपाल को भी सलाह देता है, यानी कि जैसे स्टेट में प्रेसिडेंट को
और संसद के मैटर से जो भी उनकी सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित जो भी समस्या होती है उसमें जैसे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनको अगर हमारे उनके मुद्दे पर विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कोई समस्या है तो राज्यपाल को भी सलाह देते हैं। बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग, वॉयलेंस एंड अदर अनोमेल्स पोलिंग विल बी कैंसिल्ड, यानी जो भी धांधलाबाजी जो भी इलेक्शन में चलती है, हिंसा हो गया, बूथ कैप्चरिंग हो गई, मतदाता तो ऐसी स्थिति में जो मतदाता होते हैं उसको रद्द कर दिया जाता है, जो मतदान होती है, जो वोटिंग होती है वो कैंसिल हो जाती है। ये काम भी चुनाव आयोग का है। इलेक्शन टाइम टेबल्स फॉर होल्डिंग रेगुलेशन एंड टाइमली इलेक्शन जनरली और बाय इलेक्शन, यानी नियमित और समय पर चुनाव कराने का जो कार्य है वो चुनाव समय सारणी स्थापित करना, चाहे वो आम चुनाव हो या उक्त चुनाव हो, सभी प्रकार के चुनाव के लिए नियमित समय को निर्धारण करने का कार्य चुनाव आयुक्त का है। रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि यदि बात करें हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के हटाने की तो कैसे हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सपेक्ट इन लाइक मैनर ग्राउंड एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो हटाने का जो प्रोविजन है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस का होता है कि उसको सिर्फ मिसबिहेव और इनकैपेसिटी के आधार पर ही हम उनको हटा सकते हैं, तो उसी तरह से चीफ इलेक्शन को भी मिसबिहेव और इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यानी संविधान ये प्रदान करता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उन्हीं के तरह कार्यकाल से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति के द्वारा दोनों ही सदनों में एक विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ कदाचार और असक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अदर इलेक्शन कमिश्नर जो रीजनल कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और जो क्षेत्रीय आयुक्त होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिशों पर ही हटाए जा सकते हैं। हटाने के लिए जब इनको हटाने का प्रोसेस होता है तो दो तिहाई बहुमत यानी कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट वोटिंग की, मोर देन 50% स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और मतदान सदन में कुल संख्या के 50% से अधिक द्वारा समर्थित होना चाहिए। ये हटाने का प्रोसेस होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का। यदि मिसबिहेव और कदाचार का कोई मामला पाया जाता है तो उसमें दोनों ही सदनों की जो दो तिहाई विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और कुल सदन के मतदान सदस्यों की कुल संख्या का 50% से अधिक उनके लिए समर्थित होना चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल जो है वो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से। सबसे पहले आर्टिकल 324, उसके अंदर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है यानी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और निर्वाचन आयोग निहित है। यदि पूछा जाता है आर्टिकल 324 में क्या है तो आपका आंसर रहेगा 324 में हमारा चुनाव आयुक्त है। 325 आर्टिकल 325 में क्या है, नो पर्सन टू बी इनलिजिबल इन इंक्लूशन और क्लेम टू इंक्लूड इन स्पेशल इलेक्ट्रल ग्राउंड एंड रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, यानी आर्टिकल 325 जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होगा। ये हमें आर्टिकल 325 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 326 क्या कहता है, आर्टिकल 326 हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि किसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी बेसिस एंड अडल्ट सरफेस, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना आर्टिकल 326 में है। आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट मेक प्रोविजन रिस्पेक्ट एंड इलेक्शंस टू लेजिस्लेटर, यानी कि विधानसभाओं के जो चुनाव के संबंध के प्रावधान है वो 327 में है। 328 में है पावर ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट मेक प्रोविजन दैट रिस्पेक्ट इलेक्शन सच लेजिस्लेटर। 328 क्या कहता है, किसी भी राज्य की विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के चुनाव से संबंध का
प्रावधान करने की शक्ति है। 329 में क्या है, बार इंफ्लुएंस कोर्ट एंड इलेक्ट्रोल्स इलेक्ट्रोल मैटर्स यानी चुनावी मामलों के अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक, जो भी चुनाव होती है उसमें अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है आर्टिकल 329। ये थे हमारे 324 से लेके 329 तक जो हमारे इलेक्शन कमीशन के जो पॉइंट टू पॉइंट जिस जिस आर्टिकल में मेंशन है वो सभी कंप्लीट हमने डिस्कस किया। फ्रेंड जो भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पूरा टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।